अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। 500 रुपए का नोट खुलवाने पहुंचे एक युवक को सत्ता के नशे में चूर होकर भाजपा नेता व बसंत रेवड़ी भंडार के मालिक व उसके नौकरों ने गिरा गिरा कर पीट डाला। लहूलुहान युवक ने कोतवाली थाने 112 की भी गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा होने के कारण बसंत रेवड़ी भंडार के मालिक अंबुज रस्तोगी व उसके बेटे के खिलाफ न सिर्फ कोई कार्रवाई की बल्कि पीड़ित युवक की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं की। इस पर आज लहूलुहान युवक ने SSP मेरठ का दरवाजा खटखटाया। SSP ने युवक का मेडिकल कराने के आदेश दिए हैं। जिस युवक को भाजपा नेता अंबुज रस्तोगी ने लहूलुहान कर दिया है, उसका नाम प्रखर शर्मा है और वह मोरीपाड़ा का रहने वाला है। SSP कार्यालय पहुंचे प्रखर शर्मा ने यह जानकारी दी। मेरा नाम प्रखर शर्मा है। किसने मारपीट किया आपके साथ? बसंत रेवड़ी वालों ने करी, अंबुज रस्तोगी ने, नीतू रस्तोगी उनके भाई ने, उनके लड़के ने, चिराग ने और अन्य उनके 3-4 कारीगरों ने रात बहुत बुरी तरह मेरे साथ मारपीट करी है। सिंगल टेलीकॉम पर पहुंचा था मैं वहां पर, और क्या कहते हैं, वहां कैमरा भी लग रहा है। उसके बाद भी मैं किसी तरह अपनी जान बचा करके वहां से भागा हूं। किस बात को लेकर मारपीट की? मैं अपने 500 रुपये खुलाने गया था, मुझे 400 रुपये कुलदीप तिवारी से लेने थे, तो उसे 100 रुपये मुझे वापसी देने थे। उसके पास भी 500 का नोट था तो उस पर खुले हुए नहीं थे, तो मैंने कहा कि मुझे 100 रुपये उधार दे दो, मैं सुबह दे दूंगा। उन्होंने उससे बदतमीजी करनी चालू करी। इस बात की मैंने शिकायत अंबुज रस्तोगी को, उसके पिताजी को दी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आ रहा हूँ, इसे समझाऊंगा, ऐसे बड़े छोटे से नहीं बोलना चाहिए। बस इतनी बात हुई, उन्होंने तो आकर के मुझे पीटना चालू कर दिया। सब उन्होंने हड़ताल थाना मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं भाजपा का नेता हूँ, वो हूँ, ऐसा गया उन्होंने सब ठीक। मैं वहाँ से किसी तरह जान बचा करके तहरी दे के आया थाने को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने 112 और 181 CM साहब तक को शिकायत दर्ज कराई। अब मैं कप्तान साहब के सामने पेश हुआ वहाँ करके। अब मेरे मेडिकल के लिए थाने गया था आप अपने? हाँ, अब थाने के लिए कप्तान साहब ने कहा कि थाने जाओ, अब मेडिकल होगा आपका। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी।